हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है हाउ टू मेक ग्राउंड बीम एंड प्लिंथ बीम। ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम किसे बनाया जाता है, तो हम बनाने स्टार्ट करते हैं। ये एक ड्राइंग है, इसके अनुसार हम ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम बनाएंगे। तो सबसे पहले ये हमने प्लान बना लिया है 2D, और इसके अकॉर्डिंग ही हम ग्राउंड बीम बनानी है। तो ग्राउंड बीम बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक लेयर बनानी होगी ग्राउंड बीम के नाम से, बीम के नाम से। हम लेयर प्रॉपर्टी में जाके मैंने ऑलरेडी दो एक लेयर बना रखी है, ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम की भी लेयर बना रखी है। जैसे ये रही प्लिंथ बीम की और ये रही ग्राउंड बीम की, बीम की। तो इसे करंट लेयर करते हैं ग्राउंड बीम को, लाइन कमांड लिया मैंने और बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे ये बीम है ना, ये मतलब ये कॉर्नर, मतलब ये इसी के ऊपर ग्राउंड बीम बनेगी। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम यहाँ कॉलम बाय कॉलम भी बना सकते हैं, यहाँ तक भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे यहाँ तक बनाना है, यहाँ तक बनानी हो तो यहाँ तक बना सकते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे बना सकते हैं, और इसे सीधा बना सकते हैं। इसका ऑफसेट हो जाएगा 9 इंच। इसके बाद में इधर बना दें, यहाँ तक बनाया, और इसका ऑफसेट करते हैं। ये बाहर की बाउंड एक्सटीरियर वॉल है 9 इंच की, 9 इंच। और इधर की भी वॉल है 9 इंच की। लाइन कमांड लिया और इस कॉलम से लेके इस कॉलम तक, और ऑफसेट क्या 9 इंच। ये ग्राउंड बीम बन गया। प्लिंथ बीम बनाने स्टार्ट कर, मतलब ये बनाने स्टार्ट कर प्लिंथ। जैसे इसमें प्लिंथ बीम बना के बताता हूँ मैं। जैसे प्लिंथ बीम भी बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, आप प्लिंथ बीम को करंट लेयर करते हैं। जैसे ये प्लिंथ बीम है, लाइन कमांड ली मैंने सबसे पहले, और यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, और ऑफसेट किया मैंने 4 इंच की, अंदर की ये 4 इंच, इंटीरियर वॉल 4 इंच की है, मतलब 100 mm का। यहाँ से लाइन कमांड लिया, ये ऑफसेट 4 इंच। इसी प्रकार से यहाँ पर भी तो इसी प्रकार से सभी पर हमें ये ऐसे बनाना है। और फिर इसके बाद में क्या करना मैं बताता हूँ। जैसे सभी लेयर को फ्रीज एंड लॉक कर देते हैं, जैसे ये किया, ये सिलेक्ट किया और कंट्रोल है, सभी को एक साथ में लॉक कर दी। जैसे सभी एक साथ में लॉक हो गई, और इसके बाद में यहाँ से बीम एंड प्लिंथ बीम दोनों लेयर को ऑन किया, और यहाँ से मूव करते हैं पूरे को सिलेक्ट, एक साथ में सिलेक्ट किया एंड कॉपी। इसी प्रकार से ये पूरा आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो और इसकी ड्राइंग लास्ट में कैसी बनके दिखाई देगी तो मैं दिखाता हूँ। इस प्रकार से इसकी एक ड्राइंग बनके तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार ये इसी प्लान की ये ड्राइंग है।
इसी प्लान की ड्राइंग है। इसमें हमने कॉलम भी सिलेक्ट करना होगा, जैसे कॉलम इसमें कॉलम को रखा है यहाँ पे, अभी कॉलम ये रहा, कॉलम को भी ऑन करना होगा, फिर यहाँ पर मूव करेंगे तो ये इस प्रकार से ये ड्राइंग बन के तैयार हो जाएगी इसी प्रकार से। और इसको नाम भी दे देंगे GB1 मतलब ग्राउंड बीम 1, और GB2 मतलब ग्राउंड बीम 2, ग्राउंड बीम 3 और ग्राउंड बीम 3, ये प्लिंथ बीम PB का मतलब प्लिंथ बीम हो गया, ये कॉलम है, इसी प्रकार से दे देंगे। और ये ड्राइंग मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाके देख सकते हो। आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम एक ड्राइंग बनाते हैं ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम की, इसी प्रकार से हम बनाना है। और फिर से मैं बता देता हूँ, जैसे सभी को सिलेक्ट किया लास्ट में बनाने के बाद में, और यहाँ से कॉपी किया और किसी भी एक कॉर्नर से पकड़ के यहाँ से इसे मूव करते हैं, इसी प्रकार से मूव किया, देखो इसमें आ गए ना कॉलम आ गए, इसी प्रकार से ये कॉलम ये, फिर यहाँ पे इसमें से यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं मल्टी लाइन टेक्सिंग टेक्स, फिर यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखना है तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा जैसे GB2 इसे सेलेक्ट किया, यहाँ से एंटर से ऑन किया, और यहाँ पे कर देते 7 इंच, और ये हो गया। इस प्रकार से सभी को लिख देंगे, फिर यहाँ से इसे सेलेक्ट किया कंट्रोल सी के साथ में कॉपी करके 1x1 क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हमें लिखना होगा वहाँ पर हम लिख देंगे, जैसे इसे सेलेक्ट करके, अब जैसे इसे GB3 करना तो GB3 कर देंगे। इसी प्रकार से हम एक ड्राइंग बनाते हैं, और ये ड्राइंग मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है कि आप देख सकते हैं इस ड्राइंग को, ये ड्राइंग आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में जाके। थैंक यू सो मच।